ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੇ ਹੋਸਟ ਆਰਜੇ ਰਾਜਵੀਰ ਕਲੇਕੇ। ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਯਦੀ ਆਪਕੋ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੋ ਕਿਸੀ ਸੇ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪ ਹੀ ਹੋ, ਆਪਕੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। फिर क्यों दूसरों से अपनी तुलना करना, ईर्ष्या करना? आइए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक कौवा जंगल में रहता था और अपने जीवन से संतुष्ट था, लेकिन एक दिन उसने एक हंस को देखा। ये हंस कितना सफेद है, कितना सुंदर लगता है, उसने मन ही मन सोचा। उसे लगा कि यह सुंदर हंस दुनिया में सबसे सुखी पक्षी होगा, जबकि मैं तो कितना काला हूं। यह सोचकर वह काफी परेशान हो गया और उससे रहा नहीं गया। उसने अपने मनोभाव हंस को बताया। हंस ने कहा, वास्तव में ऐसा है कि पहले मैं भी खुद को आसपास के सभी पक्षियों में सुखी समझता था, लेकिन जब मैंने तोते को देखा तो पाया कि उसके दो रंग हैं तथा वह बहुत ही मीठा बोलता है। तब से मुझे लगा कि सभी पक्षियों में तोता ही सुंदर तथा सुखी है। अब कौवा तोते के पास गया। तोते ने कहा, मैं सुखी जिंदगी जी रहा था, लेकिन जब मैंने मोर को देखा तब मुझे लगा कि मुझमें तो केवल दो ही रंग हैं, परंतु मोर में तो बहुत से रंग हैं। मुझे तो वह ही सुखी लगता है। फिर कौवा उड़कर प्राणी संग्रहालय में गया, जहां कई लोग मोर को देखने के लिए एकत्र हुए होते। जब सब लोग चले गए तो कौवा उसके पास जाकर बोला, मित्र तुम तो अति सुंदर हो, कितने सारे लोग तुम्हें देखने के लिए इकट्ठे होते हैं। और तुम्हें देखने के लिए हजारों लोग आते हैं, जबकि मुझे देखते ही लोग उड़ा देते हैं। मुझे लगता है कि अपने इस ग्रह पर तो तुम सभी पक्षियों में सबसे सुखी हो। मोर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं भी हमेशा यही सोचता था कि मैं इस पृथ्वी पर अति सुंदर हूं और मैं ही सुखी हूं, परंतु मेरे सौंदर्य के कारण ही मैं यहां आज पिंजरे में बंद हूं। मैंने सारे प्राणियों में गौर से देखा तो मैं समझा कि कौवा ही ऐसा पक्षी है जिसे पिंजरे में बंद नहीं किया जाता। मुझे तो लगता है कि काश मैं भी तुम्हारी तरह एक कौवा होता तो आजादी से उड़ता, घूमता और सुखी रहता। सो मित्रों, यही है हमारी समस्या। हम बेवजह ही दूसरों से अपनी तुलना किया करते हैं और दुखी उदास रहते हैं। हम कभी हमें जो मिला होता है उसकी कद्र नहीं करते और इसी के कारण दुख में फंसे रहते हैं। लेकिन प्रत्येक दिन को भगवान की भेंट समझकर आनंद से जीना चाहिए। सुखी होना हो तो सब चाहते हैं, लेकिन सुखी रहने के लिए सुख की चाबी हाथ करनी होगी तथा दूसरों से तुलना करना छोड़ना होगा, क्योंकि तुलना करना ही दुखों को न्योता देने के समान है। धन्यवाद दोस्तों। पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा।